Hello students, today we will study English NCERT class 3rd, unit 4 and lesson number 8, A Little Fish Story. So, let's start this story. There are a great many million fish in the seas. Sagaron mein ya samudron mein बहुत बहुत ढेर सारी लाखों करोड़ों मछलियां होती हैं, बट दिस स्टोरी इज अबाउट जस्ट वन ऑफ देम. लेकिन यह कहानी उनमें से एक मछली की है, एंड अ वेरी स्मॉल वन एट दैट, और उसमें भी वह बहुत छोटी है. नाउ दिस लिटिल फिश हैड एवरीथिंग in the seas to make him contented. अब इस छोटी सी मछली के पास समुद्र में वो सब कुछ था जो उसे संतुष्ट रख सकता था. Contented means होता है बच्चों संतुष्टि. But he was not happy. लेकिन वह खुश नहीं था. You will laugh when I tell you why he was not. आप हंसेंगे जब मैं आपको ये बताऊंगी कि वो खुश क्यों नहीं था. He was unhappy because he was so very small. वह दुखी इसलिए था क्योंकि वो बहुत ज्यादा छोटा था. It is very hard to be such a little mite of a fish. यह बहुत दुखदायी था उसके लिए कि बिल्कुल छोटी सी मछली होना इस तरह से उसको बहुत तकलीफ देता था. हार्ड का मतलब यहाँ पे होगा बच्चों दुखदायी या तकलीफ देह. ही वुड से ओवर एंड ओवर अगेन. वह इस बात को बार बार दोहराया करता था. इफ आई वर Only larger, how much happier I could be. अगर मैं थोड़ा सा और बड़ा होता तो मैं कितना खुश हो सकता था. And he said it so many times that I think he believed it. और वह इसे यानी वो इस बात को बहुत बार कह चुका था कि मैं सोचता हूँ उसे इसका विश्वास था कि मैं अगर बड़ा होता तो सचमुच में बहुत खुश होता. बिलीव मीन्स होता है बच्चों विश्वास होना. वन डे ही वॉज स्विमिंग अलोंग विद द रेस्ट ऑफ हिज स्कूल एंड थिंकिंग. एक दिन वह अपने पूरे स्कूल के साथ तैर रहा था और सोच रहा था. इसमें कोई संदेह नहीं है वो यही बात सोच रहा था. नो डाउट. स्कूल का मतलब यहाँ पे होगा बच्चों मछलियों का ग्रुप या मछलियों का समूह. हाउ मच मोर द लार्जर फिश हैड टू बी थैंकफुल फॉर देन ही. वह सोचता है कि मुझसे बड़ी मछलियाँ कितनी थैंकफुल होंगी. बड़ी मछलियां उससे कितनी ज्यादा खुश होंगी. When suddenly with no warning they found themselves in the meshes of a great net. तब अचानक से बिना किसी चेतावनी के वे एक बड़े से जाल के तारों में खुद को पाते हैं. There was much floundering and splashing as the net was drawn up out of the water into the sunlight. वहाँ बहुत ज्यादा संघर्ष और छप छप हो रही थी, और जैसे ही जाल पानी के बाहर सूरज के प्रकाश में आया. स्प्लैशिंग मीन्स होता है बच्चों पानी में छप छप की आवाज. And just as its hull was being emptied into the boat. और
जैसे ही हॉल खाली हो रहा था बोट पर, या जैसे ही इन मछलियों के ग्रुप को बोट पर उतारा जा रहा था, द स्मॉलेस्ट फिश इन द स्कूल wriggled through the mesh and slipped back into the cool, clear water. तब सबसे छोटी मछली अपने स्कूल से या अपने मछलियों के ग्रुप में जाल से छुटकारा पा लेती है and slipped back into the cool, clear water. और वापस ठंडे साफ पानी में फिसल गई. How good it felt! कितना अच्छा उसने महसूस किया, यानी उसे बहुत अच्छा लगा. He swam here and there and everywhere. वह यहाँ और वहाँ और सब जगह तैरा. And some of the fish who knew him well all the rest of his life. और कुछ मछलियाँ जो उसे अच्छे से जानती थीं, all the rest of his life. उसके पूरे जीवन से उसे जानती थीं. Said that they never again heard him. Say that he wished to be anything but a little fish. जो मछलियाँ उसे पूरे जीवन से बिल्कुल अच्छे से जानती थीं, बोली कि वे फिर कभी उसे ऐसा कहते हुए नहीं सुनी कि वह एक छोटी सी मछली होने के अलावा कुछ और भी चाहती है. यानी अब उसे एक छोटी सी मछली होना अच्छा लगा, अब वह बड़ा नहीं होना चाहता था. आइए बच्चों, थोड़ा न्यू वर्ड्स पर भी नजर डाल लें. मिलियन, मिलियन मीन्स होता है बच्चों 10 लाख या लाखों. फ्लाउंडरिंग, फ्लाउंडरिंग मीन्स होता है बच्चों पानी या कीचड़ में तड़फड़ाना. मेशेज मीन्स होता है बच्चों जाली या जाल. हाउल, हाउल मीन्स होता है ढोना या पकड़ी हुई मछलियों का समूह. कॉन्टेंटेड मीन्स होता है संतुष्टि. स्प्लैशिंग मीन्स होता है पानी में छप छप करना. एम्प्टीएट मीन्स खाली, खाली कर देना. रिगल्ड मीन्स होता है छुटकारा पाना. और वार्निंग मीन्स होता है चेतावनी. तो स्टूडेंट्स, अब हमारा ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हुआ. आपको हमारा पढ़ाया हुआ लेसन कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए. ओके, बाय बाय स्टूडेंट्स.